न्यूमोथोरिक्स क्या होता है? दो तरह का होता है, एक होता है स्पॉन्टेनियस, एक होता है ट्रॉमेटिक। ट्रॉमेटिक में होता है दो तरह का, इट्रियोजेनिक, इट्रियोजेनिक का मतलब होता है कॉज हमें नहीं पता, और एक होता है चेस्ट इंजरी। चेस्ट इंजरी में एक का कारण है चेस्ट इंजरी होने का, दैट इज़ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। और इट्रियोजेनिक है तो क्या करना पड़ेगा, और इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ेंगी। वेंटिलेशन पे डाल दूँ, मैकेनिकल वेंटिलेशन पे, क्योंकि अभी कॉज नहीं पता, और एटलीस्ट पेशेंट को सांस लेना चाहिए इसलिए। और थोड़े का सेंटिसिस कर सकते हो। न्यूमोथोरिक्स का मतलब क्या होता है कि जो तुम्हारे पास प्लूरल कैविटी है, विस्ट्रल और सोमैटिक, प्लूरल पैराइटल और विस्ट्रल, उसके बीच में जो जगह है जहाँ पे प्लूरल फ्लूड होता है, उसमें प्लूरल फ्लूड ना होकर उसमें एयर आ गई है। अब जिसकी वजह से जब सांस लेते हैं तो वो दो लेयर्स आपस में टच करती हैं, तो एक रेपिटस या फिर एक अजीब सी आवाज़ आती है और सांस लेने की, तो उसे न्यूमोथोरिक्स बोलते हैं। अब ये दो तरह का जैसे बताया आपको, ये ऐसे है, तो उसमें एक ये भी है टेंशन न्यूमोथोरिक्स। अब टेंशन न्यूमोथोरिक्स पे आपके पास क्वेश्चन आता है, और वो क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ लार्ज एयर लीक। जैसे भी बताया कि एयर भर जाना इज़ न्यूमोथोरिक्स, अब एयर लीक होना इज़ टेंशन न्यूमोथोरिक्स। प्रेजेंस ऑफ लार्ज एयर लीक, एयर लीक कैन फंक्शन एज वन वे वाल्व और बॉल वाल्व मैकेनिज्म। एयर लीक कैसे फंक्शन करेगी, वन वे वाल्व या फिर बॉल वाल्व मैकेनिज्म की तरफ करेगी। देयर विल बी इंक्रीज इन पॉजिटिव इंटर प्लूरल प्रेशर, क्योंकि इंटर प्लूरल प्रेशर जो पॉजिटिव है वो बढ़ गया है, उसकी वजह से क्या होगा, कंप्रेशन ऑफ एडजेसेंट लंग एंड मीडियास्टाइनल वेसल्स, वीनस रिटर्न कम हो जाएगा, कार्बन मोनोक्साइड कम हो जाएगी, देयर विल बी हाइपरटेंशन और शॉक। ठीक है, एयर लीक हो जाने की वजह से क्या हुआ, देयर विल बी इट विल इट कैन फंक्शन एज वन वे वाल्व और बॉल वाल्व मैकेनिज्म। ठीक है, ये ऐसे वर्क करेगी, पॉजिटिव इंटरप्लूरल प्रेशर बढ़ेगा, कंप्रेशन होगा ऑफ एडजेसेंट लंग एंड मीडियास्टाइनल वेसल्स, वीनस रिटर्न कम हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड कम हो जाएगा उसकी वजह से, और हाइपोटेंशन में पेशेंट चल जाएगा, दैट विल बी इन शॉक कंडीशन। अब इसमें क्लिनिकल ट्रायड क्या है, ऐसे पेशेंट को एक्यूट SOB हो जाएगा और हाइपोटेंशन हो जाएगा, या फिर एक्यूट बैक्टीरियल BS हो जाएगा विद हाइपोरेजोनेंट नोड। ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी में क्या होगा, ट्रीटमेंट विल बी इंसर्शन ऑफ वाइट बोर नीडल ऑन इफेक्टेड साइड फॉलोड बाई ICD इंसर्जन, साइट ऑफ नीडल विल बी फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, मिड एक्सिलरी लाइन विल बी ज़्यादा कॉमन एज कम्पेयर टू सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस, मिड क्लेविकुलर लाइन। फिर साइट ऑफ ICD इंसर्शन उन्होंने बोला हुआ है कि फिफ्थ, ये था नीडल की साइड, ये ICD की साइड, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, मिड एक्सिलरी लाइन विद वाटर सील ड्रेनेज। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट न्यूमोथोरिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।